Good morning students. Welcome back to my YouTube channel English Deep Classes. This is Sandeep and today I am going to discuss the first chapter of 10th class, A Letter to God written by G. L. Funes and in this chapter a writer describe about the faith and faith is like Wi-Fi. It is invisible but it has the power to connect you to what you need. तो बेटा फेथ के बारे में इस चैप्टर के अंदर बात की गई है और हम लोग आज इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर की समरी को पढ़ने वाले हैं समरी को और इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं आज हम और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब भी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा तो उसके अंदर पूरे चैप्टर वाइज आपको ट्रांसलेशन उसके अंदर मैं दूंगा फेथ इज़ लाइक वाईफाई तो फेथ किसकी तरह एक वाईफाई की तरह इट इज़ इनविजिबल ये अदृश्य होता है बट इट हैज़ दी पावर टू कनेक्ट यू टू वट यू नीड लेकिन इसके अंदर इतनी पावर होती है जो चीज़ आपको चाहिए उससे आपको कनेक्ट करवाने में ये मदद करता है फेथ तो फेथ के ऊपर डिसाइड पूरी की पूरी स्टोरी को हम देखेंगे द स्टोरी ए लेटर टू गॉड बाय जी एल फ्यून फ्यून्स रिवॉल्व अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्यूशनेबल बिलीफ इन समथिंग द स्टोरी इज सेट इन ए लैटिन अमेरिकन कंट्री तो ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है लेटर टू गॉड भगवान को एक पत्थर जी एल फ्यून्स ने लिखा है रिवॉल्व अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्यूशनेबल बिलीफ इन समथिंग किसी चीज़ के अंदर अनक्यूशनेबल जिस पर कोई भी क्वेश्चन ना किया जाए कोई भी उंगली ना उठाई जा सके इतना ज़्यादा ट्रस्ट इतना ज़्यादा बिलीफ विश्वास उसके बारे में ये स्टोरी है द स्टोरी इज सेट इन ए लैटिन अमेरिकन कंट्री लैटिन अमेरिकन कंट्री के अंदर सेट की गई है वहां से रिलेटेड रिलेट करती है स्टोरी लेंको द फार्मर हु इज द प्रोटोगस्ट ऑफ द स्टोरी राइट रिलेटेड टू गॉड सीकिंग हेल्प फ्रॉम द अलमाइटी आफ्टर डिस्कवरिंग इज एंटायर क्रॉप फिल्ड डिस्ट्रॉइंग बाई ए डिवेस्टेटिंग हेल स्टोम तो बेटा लेंको नाम का कैरेक्टर है इसके अंदर जो प्रोटोगोनिस्ट भी है इसका मुख्य पात्र है इस चैप्टर का और उसी के ऊपर सारी की सारी स्टोरी बेस्ड है ये तो बेटा ये लैंको है लेंचो जो है इसकी फैमिली पूरी की पूरी फार्मर फैमिली थी फार्मर था ये खुद और जैसे कि हम लोग इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो इंडिया एक क्या है बेटा एक एग्रीकल्चरल कल, कंट्री है इंडिया और अगर हम बात करें तो हमें इस बात का अच्छे से पता है कि जो लोग कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं उनके लिए तो उनकी क्रॉप्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उनका जो परिवार है सारे के सारे परिवार की जो जीविका होती है वो किस पर निर्भर करती है वो उनकी फसल पर निर्भर करती है अगर किसी भी कारणवश नेचुरल डिजास्टर से अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है एलस्ट्रोम होता है या कोई भी तूफान आ जाता है किसी भी चीज़ से अगर मतलब अगर नेचर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उससे अगर हमारी फसल ख़राब हो जाए तो फिर कुछ नहीं बचता किसान के पास खाने के लिए पीने के लिए उसकी जो फंडामेंटल नीड्स है उसको भी पूरा कर पाना मुश्किल हो जाता है तो यही सारी स्टोरी इसके अंदर है लैंको द फार्मर हु इज द द ऑफ स्टोरी लेटर टू गॉड एक भगवान को एक पत्थर लिखता है ये लेंचो और ये क्या करता है सीकिंग हेल्प फ्रॉम द अलमाइटी और अपने अलमाइटी से अपने भगवान से क्या करता है हेल्प मांगता है डिस्कवरिंग हिज एंटायर क्रॉप क्यों क्योंकि इसकी सारी की सारी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी किस वजह से बहुत ही ज़्यादा तेज एलस्ट्रोम आए थे उनकी वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई थी ऑल दो हिज विश इज गेट फुलफिल्ड पारशियली इफ नॉट कम्प्लीटली ही इज अनग्रेटफुल इन देंट एंड क्वेश्चन द ओनेस्टी एंड मोडेस्टी ऑफ द पोस्ट मास्टर्स हु एक्चुअली हेल्प हिम विद मनी इन देशम ऑफ गॉड तो इसके अंदर क्या होता है उसकी जो विशेज है वो भी पूरी हो जाती है भगवान उसकी विश को पूरी कर देते हैं लेकिन क्या होता है उसके बाद में ओनेस्टी की ईमानदारी की एक जो बात थी उनको तो बिल्कुल भगवान में ट्रस्ट था लंचों तो पता था कि हाँ भाई मेरे लिए जो भी मैं मांगूंगा भगवान से वो मुझे मिलेगा लेकिन जो बेचारे पोस्ट ऑफिस वाले जो एम्प्लॉय थे उन्होंने ही मदद की थी लंचों की तो उनके ऊपर ये डाउट करने लग जाता है और उनकी ऑनेस्टी के ऊपर इसको बड़ा डाउट होता है वो सोचते हैं कि इन्होंने कुछ गलत किया है भगवान की तरफ से तो मैंने जो मांगा था वो पूरा ही आया लेकिन पोस्ट मास्टर जो है और वहाँ पर जो काम करने वाले जो एम्प्लॉज है उनको ये बंच ऑफ क्रूक्स कहता है तो बेईमानों का टोला उनको कहता है ये कि उन लोगों ने इसके अंदर कुछ गड़बड़ कर दी नाउ वी मूव टू समरी ऑफ दी स्टोरी अ लेटर टू गॉड द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जी एल फ्यूंस डेपिक्स अनवेवरिंग फेथ ऑफ ए फार्मर इन गॉड ठीक है तो बहुत ही ज़्यादा गहरा विश्वास जो है एक फार्मर का अपने भगवान के अंदर स्टोरी के अंदर दिखाया गया इट बिगिनस विद अ फार्मर नेम लेंचो लेंचो नाम का एक फार्मर था वहाँ से शुरुआत होती है एक्सपेक्टिंग फॉर ए रेन शो आ टू नोरिश हिज तो फील्ड ऑफ कॉर्न ठीक है तो मक्के की फसल थी कौन की इसकी फसल थी उसका पोषण नोरिस करने के लिए ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि भगवान कुछ बारिश यहाँ पर अगर हो जाए तो अच्छा होगा भगवान की तरफ से ही इज कॉन्फिडेंट डैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू हील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट जस्ट लाइक इट डज़ एवरी ईयर और उसको इस बात का भी विश्वास था कि जो उसके उसकी जो फसल है वो उसको हर साल की तरह एक अच्छा प्रॉफिट देने वाली है टू हिज अट मोस्ट एक्साइटमेंट रेनफॉल हैपन बट सुनर इट टर्न इन टू अ हेल्ड डिस्ट्रॉइंग इज एंटायर क्रॉप फील्ड लेकिन उसके बाद में क्या हुआ बेटा उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस बात की कि अच्छी फसल होगी और अच्छा अमाउंट उसको मिलने वाला है लेकिन रेनफॉल हैपन बट सुनर रेनफॉल होने लग जाती लग गई थी रेनफॉल होती हो गई थी उस टाइम रेनफॉल होने के साथ साथ क्या हुआ वहां पर थोड़ी ही देर में वो जो रेन बॉल थी वो किसके अंदर तब्दील हो गई वो ट्रन टू ट्रेन इन टू हेड स्ट्रॉन्ग वो ओलावृष्टि के अंदर तब्दील हो गई और सारी की सारी जो क्रॉप थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था डैमेज पोस्ड ए थ्रेट टू दी फैमिलीज सर्वाइवल एज एंटायर लिवलीहुड वॉज डिपेंडेंट ऑन द ईयर्स प्रोड्यूस तो साल के अंदर जो प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर फैमिली की सारी की सारी जो आवश्यकताएं होती है फंडामेंटल नीड्स होती है जो फुलफिलमेंट्स होती है वो सारी की सारी जो उस उत्पादन से होने वाली थी लेकिन उसका सारा का सारा डैमेज अब उनको इस बात की ओर लेके जा रहा था उनको डरा रहा था कि अब कैसे हमारा गुजारा होगा पूरे साल अल दो द फैमिली हैड रोबस्ट बिलीफ इन दल माइटी तो ऐसे वो बेचारे उदास बैठे हुए थे लेकिन उनको अपने अलमाइटी के अंदर अपने भगवान के अंदर उनको गहरा विश्वास था बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे अपने भगवान में लैचो डिस्पाइट हैविंग वर्कड डे एंड नाइट एट द फील्ड न्यू हाउ टू राइट एंड दस डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन एंड आस्किंग फॉर हेल्प और उसके बाद में लैंको दिन रात अपना काम करता रहता है और उसके बाद भगवान को एक लेटर लिखता है और उसको पता था कि अपनी सिचुएशन को भगवान को मैं अपनी बताता हूँ एक्सप्लेन करता है अपनी सारी सिचुएशन को गॉड को और उसके बाद में हेल्प मांगता है भगवान से सहायता मांगता है ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट दिस लेटर एड्रेस्ड टू गोट तो कस्बे के अंदर अपने टाउन के अंदर जाता है इस लेटर को पोस्ट करने के लिए और पोस्ट किसके नाम कर रहा था टू गोट गोड के नाम द लेटर ऑन बीग नोटिस्ड बाई दोस्ट मार्टर एट फर्स्ट एमयूज हिम शुरू के अंदर तो पोस्ट मास्टर को अजीब लगता है अम्यूज करता है उसको बट देन मोटिवेटेड हिम वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द फार्मर सो एज टू कीप हिज इमेंस बिलीव इन टैक्ट उसके बाद में उसके दिमाग में आता है पोस्ट मास्टर के पहले सोचता है यार पता नहीं कौन बेहुदा व्यक्ति है किसने क्या लिख के डाल दिया है भगवान के नाम लेटर भगवान को कैसे लेटर भेजेंगे भगवान का एड्रेस थोड़ी ना पता है किसी को वो तो सर्वोत्तर है हर जगह मानने वालों के लिए ना मानने वालों के लिए कहीं भी नहीं है बट देन मोटिवेटेड हिम वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर दी फार्मर फिर उसके बाद में उसको मोटिवेशन मिलती है कि यार कुछ ना कुछ इस किसान के लिए करते हैं सो एज टू कीप हिज इमेंस बिलीफ इन टैक्ट ताकि उसका भगवान में जो बिलीफ है विश्वास है वो और ज्यादा बना रहे हमेशा ऐसे ही रहे ही कॉन्ट्रीब्यूट फ्राम हिज सैलरी एंड कलेक्ट्स मनी फ्राम हिज कलीग्स एंड फ्रेंड्स हु विलिंगली कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी एक चैरिटी का एक्ट था बैठाइए तो चैरिटी के लिए वो अपने दोस्तों से पूछता है और अपने एम्प्लॉयज से पूछता है और अपनी सैलरी का पार्ट उसके अंदर रखता है सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं वो टू इज डिज में ही कुड ओनली कलेक्ट सेवेंटी पैसोज विच ही रैप्ड इन एन एनवे टू मेक इट सीम लाइक ए रिप्लाई फ्रॉम दी जी और भगवान से ये रिप्लाई आया ऐसा समझकर वो बेचारा कोशिश करता है पूरी हंड्रेड पैसोज का इसके अंदर जिक्र था वो भगवान से जो लेंचो ने जो पैसे मांगे थे वो हंड्रेड थे लेकिन वो अपने दोस्तों से और उसकी कोशिश करके सारी वो सेवेंटी पैसा ही इकट्ठे कर पाता है और उनको एक एनवल के अंदर रैप करके लपेट के और ऐसे दिखा देता है कि भगवान की तरफ से उसके लिए आया ही है ये ऑन हैविंग फाउंड दी लेटर द राइटर इज़ नॉट एट ऑल सॉक्ट और जो ये लेटर वापस रिप्लाई आया तो उसको पाकर राइटर को जो लेंको लेंचो है उसको बिल्कुल भी शौक नहीं लगा था इस बात से क्योंकि उसको पता था कि भगवान उसकी हेल्प करेगा इतना ज्यादा बिलीव था उसको बट स्टिल ही गेट्स एंग्री लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही शोक ना लगने की बजाय उसको क्या हुआ वो एंग्री हो जाता है गुस्से में हो जाता है ऑन फाइंडिंग दैट द अमाउंट इज लेस देन वट ही हैड एक्सपेक्टेड जितने की उसको उम्मीद थी वो अमाउंट ना पाकर बड़ा नाराज होता है ही अगेन राइट से लेटर टू गॉड कन्वेइंग इज डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्ट्रस्ट इन द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस कितना था दोबारा लेटर लिखता है अपनी निराशा और डिस्ट्रस्ट दिखाता है अपना अविश्वास दिखाता है किनके प्रति जो एम्प्लॉयज है पोस्ट ऑफिस के उनके प्रति जिन लोगों ने उसकी सहायता की उन्ही के लिए वो ये सोच रहा था कि इन लोगों ने मेरे पैसे रख लिए और इन्होंने चुरा लिए मेरे पैसे स्टोलन दी रिमेनिंग अमाउंट जो बचा हुआ पैसा था सेवेंटी एंड थर्टी थर्टी जो है वो उन लोगों ने चुरा लिए ऐसा ये सोचता है ये समरी थी बेटा इस चैप्टर की एंड नाउ वी मूव टू सम वट डिड लैंको होप फॉर किस चीज़ की लैंको को होप थी वाई डे लेंस ऑफ से दी रेन ड्रोवर लाइक न्यू कॉइंस हाउ डिड द रेन चेंज वट हैपन टू लेंस फील्ड्स What were Lancho's feelings when he, when the hail stopped? And who read the, who read the letter? Yeah letter to God introduction or summary. And uh, there are some questions. And uh, read it carefully. And uh, hope so you will understand. Thank you so much.